आज 23 दो 2022 बाप दादा के माह वाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा, तो मुख में रस आ जाता है। ईश्वर, प्रभु है ना, खुदा कहने से वो रस नहीं आता, यानी वो वर्षे की फीलिंग नहीं आती। बाप है तो प्रॉपर्टी का याद आएगी, अदरवाइज वो फीलिंग नहीं आएगी। कोई होगा भगवान, अल्लाह, खुदा होगा कोई, बाबा मीन्स मेरा बाप है वो। प्रश्न है, कौन सा धंधा, बिजनेस सर्वशक्तिमान बाप का है, किसी भी मनुष्य का नहीं? उत्तर है, पतित आत्माओं को पावन बनाना और सारे विश्व को नया बनाना। ये धंधा बाप का है और बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं। दुनिया में लोग सिर्फ ज्ञान देते हैं, बाबा के ज्ञान के साथ साथ शक्ति भी साथ में होती है। यह धंधा कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकता है, हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है, और बाबा कहते मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता, तुम्हारी बीमारी थोड़ा ठीक करूंगा मैं। बीमारी लगी क्यों? विकारों करके, विकारों को ठीक कर लो अपने आप को, बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं तो सिर्फ पावन बनने की युक्ति बताता हूं। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आयो रे, जाग जाओ, ये ज्ञान मार्ग आपको नए युग में ले जाने आया है। ओम शांति। बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं, अब मात पिता जिससे सुख मिलने का है वही आकर अंधियारी रात से जगाते हैं, कलयुगी रात से जगाते हैं। तुम मात पिता के बच्चे हो और जानते हो हम घोर अंधियारे में थे, अब जाग रहे हैं। यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है, सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और ये सारी दुनिया है, ये है गॉड फादर की फैमिली। अब मात पिता गॉड फादर को कहा जाता है। अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के, वाइफ के बच्चे कैसे पैदा करे, वो भी खास भारतवासी कहते हैं तुम मात पिता। तो ये हो गई फैमिली, वो पिता, शिव बाबा पिता, ब्रह्मा माता और हम उसके बच्चे, तो फैमिली होगी ना। दुनिया में तो सिर्फ कहते हैं, भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते हैं, और तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो। और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं, किसी और की बात नहीं कर रहे, अपनी फैमिली को जगा रहे हैं। कैसे जगाते हैं? जागो बच्चे और बच्चियाँ, अब रात पूरी होती है, अब दिन आने वाला है, कलयुग की रात पूरी, सत्युग के दिन आने वाला है। अब भक्ति मार्ग में गाते तो है, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, परंतु अर्थ कुछ समझते ही नहीं, बल्कि कितने भी वेद शास्त्र पढ़े हैं परंतु उनको भी समझते ही नहीं। जो समझते हैं
जो समझते हैं वो ही अच्छी कमाई करते हैं। जिनको समझ आ गया कि भगवान अल्लाह खुदा कोई और नहीं, हमारा अपना बाप है, वो इस समय कमाई कराने आया है, तो वो कमाई पे लग जाते हैं। और जो बेसमझ होते हैं वो दिवाड़ा मारते हैं। और बाप कहते हैं, बच्चे माया ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। एक तरफ कहते हो ओह गॉड फादर, दूसरी तरफ कहते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई है, या ये कहो हम एक बाप के बच्चे हैं, फिर कह देते हैं जिधर देखता हूँ तू ही तू है। अर्थात इसका मतलब वी आर ऑल फादर्स, सब में परमात्मा है तो हम सब फादर्स हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो हम आते ही हैं परम धाम से। अब सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते ही हैं ओह गॉड फादर। तो फादर मदर की फैमिली हुई ना। और बाप कहते हैं जिसको तुम याद करते हो, जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना। उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची, तो बाप में सारा ज्ञान है। उनको ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, नॉलेज फुल। कहते भी हैं गॉड इज ट्रुथ, ये सत्य है, यानी सच बोलने वाला है और सदैव अमर है, और अमर कथा सुनाते हैं, अमर बनने की कथा सुनाते हैं। तो अभी तुम जानते हो अमरनाथ शिव बाबा हमको ही अमर कथा सुनाकर अमर लोक का मालिक बना रहे हैं। तो जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं और बच्चियां होंगे, किसके बच्चे, माता पिता के, है ना, तो माता पिता के, या तुम सब हो पार्वतियां, पार्वतन में रहने वाली, तुमको ही अमर कथा सुना रहे हैं। तो क्या है अमर कथा, फिर बाप कथा सुनाएंगे, स्टोरी सुनाएंगे। स्टोरी क्या है, आज से 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, सृष्टि का ये नाटक फिरता रहता है। कैसे, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, मतलब नए घर से पुराना होता है। स्वास्तिका के भी चार ही भाग बनाए हैं। इसका मतलब क्या समझ आया हमारे को, अब हमारी है चढ़ती कला। भक्ति मार्ग में तो गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, यानी सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, दुखी है, तो दुख से छूट सतो प्रधान बन जाते हैं। यही तो है चढ़ती कला कि सभी सतो प्रधान बन जाते हैं, यानी मनुष्य नहीं सृष्टि ही सतो प्रधान बन जाती है। तो परम पिता परमात्मा व सिर्फ ईश्वर प्रभु कहने से वो बाबा, वो बाप वाला रस नहीं मिलता, और बाबा कहने से वर्षे की खुशबू तब आती जब अपने को बच्चा समझते। तो हम बाबा के बच्चे हैं। अच्छा क्या होना चाहिए, हम उस बाबा के बच्चे हैं। यूं तो सभी आत्माएं बच्चे हैं, परंतु
अभी बाप ने ये रचना रची है। कहते हैं पतित पावन सीता राम। अब सत्युग में लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्यों? क्योंकि वो है ही पावन। तो कौन गाते हैं? साधु संत सभी गाते रहते हैं। गांधी जी भी गाते थे, नई दुनिया नए भारत में नया राम राज्य हो। हाथ में गीता उठाते थे, क्यों? क्योंकि जानते हैं, क्या जानते हैं? गीता से ही महाविनाश हुआ और नई दुनिया स्थापन हुई। स्थापना और विनाश का महाभारत युद्ध से ही पता लगा, गीता से ही पता लगा, है ना? तो गीता है सर्व शास्त्र में शिरोमणि, तभी कहते हैं गीता माता। अच्छा, जब गीता माता है तो माता का पति कौन? भगवान। वही पतितों को पावन बनाने वाला है भगवान। उवाच, भगवान के वचन किसके हैं? कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, और मनुष्य तो कभी पति से पावन बना ही न सके। तो अब तुम मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला इस दलाल के रूप में। फिर कहते हैं महान आत्मा पुण्य आत्मा, ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा। फिर अपने कोई शिवोहम यानी परमात्मा आदि क्यों कहते हैं? हम ही शिव हैं, हम ही परमात्मा, ऐसे क्यों कहते हैं? अब फिर पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, फिर निर्लेप क्यों कहते हैं? निर्लेप क्यों कहते हैं कि आत्मा में लेप नहीं चढ़ता, तो पाप आत्मा पुण्य आत्मा कैसे बनी? तो बाबा ने बताया, तुम ब्राह्मणों ने 84 जन्म लिए हैं, भारत पर ही सारा खेल है। ये शिव बाबा ही समझाते हैं, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा को तो बैल यानी नंदी बना दिया, फिर भृगुटी में शिव दिखाया है, बिंदी दिखाई है, शिव दिखाया है। इसका मतलब शिव की सवारी भृगुटी में रहती है। दुनिया में भी कोई पितर आदि खिलाते हैं, आत्मा को बुलाते हैं, वो भी आकर बाजू में बैठती है। यहाँ आत्मा बैठी है, दूसरी आत्मा साथ में बैठ गई। आत्मा है एक स्टार, कहते भी हैं ब्रिकुटी के बीच चमकता है एक अजब सा सितारा। तो अब तुम जानते हो ये बेहद का बड़ा खेल है, और सेकंड सेकंड जो पास होता है वो मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है। जो जो ड्रामा में नूंद है उसी के अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। अब मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? अब सभी 84 जन्म नहीं लेते, क्या प्रूफ है? कोई कोई तो अभी भी ऊपर से आते ही रहते हैं। तो अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग। और कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रखकर उसमें दीवा जगाते हैं। जागो मतलब से जागो करते हैं, है ना? उसमें मटकी रखकर दीवा जगाते हैं। अरे बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब खत्म हो गया है। ये निशानी दे दी इसकी, है ना? तो क्या करो, अब मुझे याद करो। तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा, घी डालो, योग का घी डालो, अग्नि घी डालो, दीवा भर जाएगा। फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे
अब वो निराकार बाप ही है, वो निराकार, पर वो निराकार बाप ही क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है। फिर याद किसको करते हो, क्या ब्रह्मा को, क्या विष्णु को? नहीं, दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को। तो ये है क्या, दुख और सुख, हार और जीत का खेल, है ना। माया हार खिलाती है, बाप जीत बनाते हैं। कैसे जीत बनाते हैं, कहते हैं सर्वशक्तिमान मैं हूं ना, ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूं, भगवान आशीर्वाद करें तो मैं ठीक हो जाऊं। बाबा कहते मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया हूं, उल्टे काम तुम करो और मैं तुम्हारे को ठीक करूं। बाबा इसके लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं पतितों को पावन बनाने। कैसे, श्रीमद देने। बीमारी क्यों आई, पतित बने से आई है, तो पावन बन जाओ, बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है शिव बाबा। फिर नंबर वार माला भी है ना, तो अब तुम जान गए हो कि हम हैं ईश्वरीय फैमिली। जैसे शिव बाबा की महिमा अपरम अपार है, वैसे रचना की भी महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। भारत में हीरे ज्वारों के महल थे, अब गॉड क्रिएटर है, कैसे क्रिएट करेगा, उसके लिए मदर भी चाहिए। तो जब तुम यहाँ बैठे हो तो पहले पहले बाप की याद आनी चाहिए, बैठे बाबा के पास सिर्फ बाप की याद आनी चाहिए, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी की। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो ही रही है, तो इस समय तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, फिर बनेंगे देवी फैमिली के, सो भी संगम युग पर, यानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी विराट रूप का चित्र भी है, सिर्फ चोटी नहीं दिखाया है। दिखाते ना विराट रूप में देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण की चोटी नहीं दिखाया है ना, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र दिखाया है, परंतु देवताओं के पहले क्या था। तो अब बेहद का बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो और मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ और बेहद का वर्षा ले लो। मन बुद्धि को कहीं ना लाने दो, मेरे पास लगाओ और बेहद का वर्षा लो। जन्म जन्मांतर लिया ही है, सत्यु त्रेता तक 21 जन्म बेहद का वर्षा लिया था, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है वर्षा, फिर बाप से लेना है। वो तो कहते हैं भक्ति मार्ग में, कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, अगर वो नाम रूप ही नहीं है तो वो कैसे यहाँ आएगा। अरे बाबा कहता, अरे गीता में है श्रीमद् भगवत गीता, सबसे श्रीमद् भगवान की है, भगवानुवाच, कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे। अब ये सब बातें ड्रामा में नूद है कि भगवान है निराकार ज्ञान का सागर। फिर बाद में जो राज्य करते हैं उनकी महिमा अलग है, उनकी महिमा क्या है, राज्य करने वालों की, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो इस समय है सब हिंसक काम कटारी चलाने वाले, पर लक्ष्मी नारायण के लिए ऐसे नहीं कहेंगे,
वो तो संपूर्ण श्रेष्ठाचारी थे। तो बाप की महिमा अलग है, हर एक मनुष्य मात्र का अलग अलग पाठ है। अभी इतनी छोटी आत्मा उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। बाबा कहते हैं, हूँ मैं भी आत्मा, परंतु मुझे कहते हैं सुप्रीम। अब भक्ति मार्ग में बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, है वो भी रॉन्ग। तो लिंग बनाते हैं, है वो भी रॉन्ग। अब आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है। अब ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे भी है ना। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, और ज्ञान सितारे हम बच्चे है ना। और ड्रामा में देखो कितने पाठधारी हैं, और हर एक का अपना अपना पाठ है। कैसे ये ड्रामा बना हुआ है, इसको कहा जाता है कुदरती नाटक। ये है नेचर, आत्मा की नेचर है। पांच तत्वों की नेचर की बात करें, आत्मा की नेचर हो कैसी है, ये है नाटक। बाकी वो जो फिजिकल नाटक होते हैं वो तो कॉमन है, चार तीन चार घंटे का रील होगा। इनका रील तो 5,000 वर्ष का है। वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है ना, और कलयुग में अभी 40,000 वर्ष और पड़े हैं। कितने गपोड़े हैं, या तो मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े, वही शास्त्र अभी तक पढ़े जा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब जागो, तुम भगत भगवान को याद करती आए हो। अब बाप कहते हैं, भक्ति मार्ग खत्म होता है। क्या बाबा कहते हैं, अब तो भक्ति मार्ग खत्म होता है। मैं आया हूँ ज्ञान से सोजरा करने, मैं हूँ ज्ञान से एनलाइटेंड करने। इस समय मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, इस समय मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है, लड़ाई ही सीखते रहते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब ये सब शुरू होता है। अब सत्युग में तो है ही राम राज्य। तो अब बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, यानी राजाओं का राजा बनाता हूँ। फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएं फिर पतित बन जाते हैं। अभी तो वो राजाएं भी नहीं हैं, पतित राजाएं भी नहीं हैं। और बाप कहते हैं, बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इस द्वारा सुना रहा है, और जो सुनकर ये महाराजा महाराजी महारानी बने थे वही तो अब पतित बने हैं। इस समय है ही आसुरी सृष्टि, वो है ईश्वरीय सृष्टि। तो राम और रावण नाम मशहूर है। रावण का अर्थ कोई भी समझते नहीं, क्या रावण, नर और नारी दोनों में 5 विकार है, तभी तो 10 शीश दिखाते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है रावण राज्य, विकारों का राज्य। फिर दीपमाला में पूजा करते हैं, महालक्ष्मी को 4 भुजाएं देते हैं, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की, बाकी विष्णु कोई और चीज नहीं है। तो अब तुम बनेंगे राजाओं का राजा, वो भी डबल सिरताज, यानी इस समय तुम बनते हो स्व
दर्शन चक्रधारी। और जानते हो तुम कि हम 84 जन्म लेते हैं, और तो बोलेगा नहीं, हम ही 84 जन्म लेते हैं। तो बेहद के बाप से बेहद का सुख, हद के बाप से हद का सुख मिलता है। तो सत्युग है ब्रह्मा का दिन, कलयुग है ब्रह्मा की रात। अब प्रजापिता, फादर ऑफ द ह्यूमैनिटी, वो भी तो जरूर यही होगा। तो शिव बाबा की संतान तो सभी हैं, जितनी भी आत्माएं हैं शिव बाबा की संतान तो है ही हैं। फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणिया रचते हैं, बी के रचते हैं, नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट करेंगे, इतने बी के कहाँ से आए। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं और कहते हैं मेरे तो तुम ही हो। कितना सुंदर बाबा कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं, मेरे तो तुम ही हो, क्योंकि अब तुमको मिलता है नया जन्म। वो भी दादे की प्रॉपर्टी, दादे की प्रॉपर्टी तुमको मिलती है, विश्व की राजाई मिलेगी ब्रह्मा द्वारा। फिर ब्रह्मा को सूक्ष्म बदन में दिखाया है, पर तू वहां कैसे मिलेगी। बाबा को जरूर रथ चाहिए मुरली चलाने के लिए, शरीर तो चाहिए ना उनको मुरली चलाने के लिए। तो गीता है भारत का नंबर 1 शास्त्र, तो इसका मतलब बाकी सब शास्त्र हैं गीता के बाल बच्चे। मतलब पहले है देवताओं की बिरादरी, फिर क्षत्रियों की, फिर वैश्यों की, फिर शूद्रों की। मतलब जो भी धर्म स्थापन करते हैं वो पहले सतो, फिर रजो, फिर तमो में आती हैं। अब जैसे क्राइस्ट आया, वो पहले पवित्र था, वो तो पहले पवित्र थी, जितने भी आए ऊपर से पहले सब पवित्र आए। जब तक कोई विकर्म ना हो तब तक दंड मिल ना सके, क्योंकि सत्युग में पवित्र आत्माएं आएंगी, वहां माया ही नहीं तो दुख भी नहीं। हमारे विकर्म तब शुरू होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं, जब हम पाप करने शुरू करते हैं, विकारों में जाते हैं। यही तो है समझने की बातें। इसीलिए विकर्माजीत संवत भी है, और फिर है विकर्मी संवत। 1 से लेकर 2500 वर्ष चला विकर्माजीत संवत, फिर 2500 से लेकर 5000 चलता है विकर्मी संवत, यानी विकर्म करने शुरू करते हैं। अब कथाएं तो बहुत है, फिर मोहजीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, पर मोहजीत तो है लक्ष्मी नारायण और वो है राम राज्य। अभी है रावण राज्य, तो रावण को जलाते हैं। तो आधा कल्प है, आधा कल्प होता है राम राज्य, फिर आधा कल्प के बाद होता है रावण राज्य। तो इस सुदर्शन चक्र को तुम ही जानते हो, हम ही पहले राम राज्य में थे, हम ही रावण राज्य में आए, अब बाबा आया है हमें फिर से राम राज्य में ले जाने के लिए। यही तो है सुदर्शन चक्र। ये तुम सब कौन हो, तुम सब हो गॉड फादरली चिल्ड्रन। डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, इसीलिए तुमको कहते हैं सिक्की लदे बच्चे। इतनी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के निकाले, पता नहीं कौन कौन से कोने में पड़े थे, वहां से निकाले हुए बच्चे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, सुनो आज की धारणा। आत्मा रूपी दीपक को सदा जागृत रखने के लिए याद का घृत डालते रहना है। थोड़े थोड़े देर के बाद सुदर्शन चक्र घुमाते रहो, उससे क्या होगा, आत्मा को घृत मिल रहा है। तो याद से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। कितनी याद चाहिए? आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। उसके लिए दूसरा पॉइंट है, सदा ज्ञान सोजरे में रहना है। बेहद नाटक यानी ड्रामा को बुद्धि में रख स्व दर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान, व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर। व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। कौन है आज श्रेष्ठ भाग्यवान? श्रेष्ठ भी जिसने बाबा ने जिसको भाग्यवान बनाया, वो कैसे बने? जब हमारी निर्विकल्प स्थिति बनी, निर्विकल्प कोई भी नेगेटिव वेस्ट थॉट नहीं इसमें आया, वो कैसे हो सकता है कोई नेगेटिव वेस्ट थॉट ना चले? बाबा ने कहा तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए अभ्यास, व्यर्थ संकल्पों के तेज भाव को एकदम चल रहे वेस्ट थॉट, स्पीड बहुत तेज होती है उनकी, उनको सेकंड में स्टॉप करना। कैसे? ज्ञान योग से, प्योरिटी से, प्रेम से, शांति से। एक गुरु में टिक जाओ, टिके रहो टिके रहो टिके रहो, वेस्ट थॉट का फ्लो रुक जाएगा। और रुक गया तो क्या बन जाएंगे आप? विशेष बन जाएगी निर्विकल्प, तब टाइटल मिलेगा श्रेष्ठ भाग्यवान। देखो बहुत सुंदर वरदान का एक्सप्लेनेशन है। यदि कोई भी गलती हो जाती है, होगी ना, तो क्या करें? गलती होने के बाद क्यों हुई, क्या किया, कैसे किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ये सोचने में समय नहीं गवाओ। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो क्या होता है, उतना दाग के ऊपर दाग लगा। तो एक गलती तो कर ली और तो रिपीट ना करो, उसको रिवाइज ना करो, क्योंकि पेपर है ना, पेपर का टाइम कम होता है। लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार अगर पड़ गया, मुझे वेस्ट चलाना चलाना शॉर्ट, जो बीत गया तो बीत गया, स्टॉप लगा दो, उसका संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है। इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा, परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी। जब यह संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा। गलती तो होगी, स्टॉप, उसके बारे में सोचना इसका इलाज क्या है, बाबा ने मुझे शिक्षा क्या दी, शिक्षा को पकड़ लो, बात को छोड़ दो, तब वो शिक्षा आपको उठाएगी। अगर बात को पकड़ोगे तो बात आपको और गिरा देगी। उसके लिए स्लोगन कितना सुंदर है, खुशी के खजाने से संपन्न बनो। तभी कहते हैं ना खुशी ऐसी खुराक नहीं, क्यों कहते हैं? खुशी के खजाने से संपन्न बनो, भरपूर बनो, तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। खुशी है तो सब कुछ साथ लेके आएगी, अगर खुशी गई तो सब दुख अशांति साथ लेके आएगी। इसलिए खुशी ना छोड़ो। खुशी कैसे मिलेगी? ज्ञान योग से।
उसको नहीं छोड़ना, बाकी दुनिया छूट जाए वापस आ जाएगी वो। ठीक है, ओम शांति।